नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी का चिंता सर्ग। इसके कुछ व्याख्या के वीडियो में पहले डाल चुकी हूँ, तो उनका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, जिसमें जयशंकर प्रसाद जी की काफ़ी रचनाएं हैं, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। तो आइए आज की व्याख्या देखते हैं। क्या कहते हैं, भरी वासना सरिता का वह कैसा था मद्मत प्रवाह, प्रलय जल्दी में संगम जिसका देख हृदय था उठा करहा। देखिए यहाँ पर मनु अकेले बैठे हैं। अब से पहले जो हमने व्याख्या में देखा कि मनु अकेले बैठे हैं, दुखी हैं और देवताओं का विनाश कैसे हुआ इसके बारे में विचार कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो क्या सोच रहे हैं कि देवताओं का जो जीवन था वो भरी वासना सरिता का है, वो कैसा था। वासना, वासना यानी भोग विलास, सरिता क्या है, नदी। कि उनका जीवन जिस प्रकार कोई वासना से युक्त नदी का वह था, मदमत परवाह, मदमत यानी मस्त होकर, परवाह यानी वेग, जैसे कोई बहुत बड़ी नदी बहुत तेज वेग से आगे बढ़ती है और तो क्या होता है, आसपास के क्षेत्रों को वो नष्ट भ्रष्ट कर देती है, उनको समाप्त कर देती है। उसी प्रकार देवताओं की भी भोग विलास रूपी जो नदी है उसका वेग कैसा हो गया था, वो मदमस्त हो गई थी, वेगवती हो गई थी और उसका प्रवाह बहुत ज़्यादा तेज था, उसका वेग बहुत ज़्यादा तेज था। इसी कारण प्रलय जल्दी में संगम जिसका देख हृदय था उठा कर रहा। प्रलय, प्रलय यानी विनाश, जल्दी यानी सागर में संगम, जब वो प्रलय रूपी सागर में आकर जिसका संगम हुआ तो इतना ज़्यादा विनाश हुआ कि उसको देखकर हृदय भी कर्राह उठा, हृदय से भी चित्कार उत्पन्न होने लगी। तो यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, मनु के कहने का अभिप्राय क्या है कि जो देवगण हैं वो बहुत ज़्यादा भोग विलास में डूब गए थे, यही कारण है कि उसका विनाश निश्चित था, विनाश हुआ और इसीलिए जो प्रलय आई उसने संपूर्ण देव जाति को विनाश कर दिया। तो यहाँ पर वो बताना चाहते हैं कि देव जाति के विनाश का मूल कारण क्या है, उन्हीं की वासना, उन्हीं की भोग विलास से युक्त जो जीवन था वही उन्हीं के विनाश का कारण बना। तो यहाँ पर अगर देखें तो विभावना अलंकारों का सुंदर प्रयोग यहाँ पर किया गया है, स्मृति, विषाद, गलानी जैसे सुंदर भावों की अभिव्यंजना यहाँ इन पंक्तियों में हुई है। आगे क्या कहते हैं, चिर किशोर व्य नित्य विलासी, देवताओं के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वो चिर, चिर यानी सदैव, किशोर व्य यानी आयु, हमेशा युवा रहने वाली अवस्था के थे, नित्य हमेशा, विलासी यानी विलास पूर्वक सुख सुविधाओं या भोग पूर्ण जीवन जीने वाले थे, सुरभित जिससे रहा दिगंत और उनकी सुगंध से दसों दिशाएं, दिगंत यानी समस्त दिशाएं सुरभित थी, महक रही थी, अर्थात उनके जीवन में सुख ही सुख था। आज तिरोहित हुआ कहाँ वह, लेकिन आज वो कहाँ बह गया। तिरोहित से तात्पर्य क्या है, छिपना, लुप्त हो जाना, बह जाना, कि आज वो कहाँ चला गया। मधु से पूर्ण अनंत बसंत, कि मधु से परिपूर्ण जो अनंत अनंत बसंत था, ऐसी, क्योंकि देखिए देवताओं के बारे में ये कहा जाता है कि वहाँ वो ना मरते हैं ना उनकी आयु बढ़ती है, बल्कि वो युवावस्था में ही भोग विलास से पूर्ण सुख सुविधाओं से युक्त जीवन जीते हैं, वहाँ हमेशा बसंत ऋतु ही छाई रहती है, पतझड़ जैसी निराशा का भाव उनके जीवन में कभी नहीं आता। लेकिन यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से कवि दिखाना चाहते हैं कि अगर हम किसी चीज़ की अति करें तो विनाश संभव है। तो देवताओं ने भी भोग विलास में अपना जीवन जीना, जीने की जो अति कर रखी थी उसी के बारे में कह रहे हैं कि वो मधु से पूर्ण, मधु यानी मीठे रस से भरा हुआ उनका जो बसंत ऋतु थी वो अब कहाँ चली गई, अर्थात देवताओं का वो भोग विलास से पूर्ण जो जीवन था वो अब कहाँ चला गया। तो यहाँ पर मनु के माध्यम से ये बताया गया है कि वो देव जाति जो हमेशा युवा रहा करती थी, जो हमेशा सुख से अपना जीवन जीती थी, उसका भी एक समय ऐसा आया कि उसका भी अंत हो गया। तो यहाँ पर भी देखें तो अनुप्रास अलंकार है, इसके साथ साथ विरोधाभास अलंकार भी है। एक तरफ तो उनकी सुख सुविधाओं की बात कर रही हैं, उनकी अमरता की बात कर रही हैं, दूसरी तरफ वो नष्ट हो गई, विनाश हो गया। तो यहाँ पर अगर देखें तो विरोधाभास अलंकार भी है। इन पंक्तियों में भी भावों के दृष्टिकोण से देखें तो स्मृति है, चिंता है, विषाद है, शोक जैसे भावों की अभिव्यक्ति यहाँ पर हुई है। कुस्मित कुंजों में वे पुलकित,
प्रेमालिंगन हुए विलीन, मौन हुई है मूर्छित ताने और न सुन पड़ती अब बीन। क्या कहते हैं? कुस्मित यानी अनेक प्रकार के खिले हुए जो कुंज समूह किसके फूलों के, वे पुलकित थे, खिले हुए थे, आनंदित थे, प्रेमालिंगन हुए विलीन। प्रेमालिंगन यानी प्रेम के आलिंगन में जो घिरे हुए थे वो अब विलीन हो गए। मौन हुई है मूर्छित ताने, जो स्वर लहरियां थी, जो तान का तात्पर्य क्या होता है, सुर की तान, आरो अवरो, वो भी अब क्या हो गए, मौन हो गई हैं। और न सुन पड़ती अब वीन, बीन यानी वीणा, वीणा की मधुर ध्वनि भी अब सुनाई नहीं देती। किसके कारण? जल पलावन से जो देवगण हैं, जो देवता लोग हैं या जो देवगण हैं, उन वो सब समाप्त हो गए हैं। उनका जो सुख से जीवन था वो खत्म हो गया है, क्योंकि लता कुंज जो पुष्पों के समूह हैं वो बहुत ही सुंदर थे, पुलकित थे, आनंदित थे और प्रेमालिंगन थे, प्रेम के प्रगाढ़ आलिंगन में थे। लेकिन अब वो सब कुछ विनाश हो गया है, विलीन हो गया है, सब कुछ नष्ट हो गया है। अब मौन हो गई हैं जो स्वर लहरियां थी, आरोह अवरोह थे सुरों के, सातों सुरों के, वो अब खत्म हो गए हैं, चुप हो गए हैं। वीणा भी अब सुनाई नहीं देती, वो भी अब मौन हो गई है। अब न कपोलों पर छाया सी पड़ती मुक्की सुरभित भाप, भुज मूलों में स्थिर वसन की व्यस्त न होती है अब माप। कि अब न, अब नहीं, कब? जब चारों ओर जल पलावन हो गया है, विनाश हो गया है, कपोलों यानी गालों पर छाया सी, छाया के समान नहीं पड़ती है मुख से आने वाली सुरभित यानी सुगंधित वायु या भाप। देखिए यहाँ पर देवताओं के प्रेम भोग का चित्रण किया गया है कि जब देवांगनाएं और जो देवगण हैं वो जब प्रेम क्रिया में लिप्त रहते थे तो देवांगनाओं के कपोलों यानी गालों पर जो श्वास की छाया पड़ती थी, श्वास सुगंधित श्वास की छाया पड़ती थी, वो अब लुप्त हो गई है, समाप्त हो गई है। कंधों पर भुजमूल यानी जो कंधे हैं उन पर जो वस्त्र स्थिर होकर अस्त व्यस्त हो जाते थे यानी जो बिखर जाते थे, वो भी अब उनको, जिनको संभालने के लिए प्रयास करना पड़ता था, वो भी अब क्रिया नहीं होती, व्यस्त न होती है अब नाप। तो मनु यहाँ पर क्या कहते हैं कि अब जो काम भोग के में लिप्त रहने वाली जो देवगण थे या देवांगनाएं थी, अब उनकी वो क्रियाएं नहीं होती। जो युवक युवतियां एक दूसरे से प्रेम क्रीड़ा में लीन रहते थे, अब वो सब कुछ समाप्त हो गया है। अब अगर देखें तो वो प्रक्रिया भी अब नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि प्रलय सृष्टि के कारण न तो देवता बचे और न ही देवांगनाएं, अब कोई भी इस कार्य में व्यस्त नहीं है। तो यहाँ पर कवि ने किशोर युवक युवतियों के भोग विलास का चित्रण किया है, रति भाव का सुंदर यहाँ अभिव्यंजना हुई है, उपमा अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, छाया सी यानी उपमा अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। कंकण कवणित रणित नुपुर थे, हिलते थे छाती पर हार, मुखरित था कलरव गीतों में, स्वर लय का होता अभिसार। तो यहाँ कंकण यानी कंगन जो कलाई पर धारण करती हैं, कवणित से तात्पर्य क्या है, बजने की, कंगन के बजने की, कंगन के खनकने की ध्वनि। रणित नुपुर घुंघरू के बजने की जो ध्वनि है यानी रणित, कंगन का खनकना और घुंघरू का बजना, हिलते थे छाती पर हार और उनके हृदय पर हार धारण किए रहते थे, मुखरित था कलरव यानी ध्वनियाँ मुखरित थी, सुनाई देती थी, गीतों में स्वर लय का होता अभिसार, अभिसार यानी मधुर मिलन, स्वर और लय का मधुर मिलन होता था। यहाँ पर भी मनु के माध्यम से कवि देवगणों के जो भोग विलास का जीवन है उसी का चित्रण किया है कि उनके जो हाथों में कंगन पहने होते थे कलाई पर, वो गुंजार करते थे या उनकी ध्वनियाँ सुनाई देती थी, कंगनों का खनकना, नुपुर का छनकना और उनके जो उन्होंने हार धारण किए होते थे वो भी एक अलग ध्वनि उत्पन्न करते थे। किस समय? जब वो रति क्रिया में लीन रहते थे, चारों तरफ कलरव यानी ध्वनियाँ मुखरित हो उठती थी, गीत गाए जाते थे, चारों तरफ गीतों का स्वर सुनाई देने लगता था, अभिराम यानी गीतों में भी स्वर और लय का मधुर मिलन, अभिराम से तात्पर्य होता है मिलन, मधुर मिलन
स्वर और लय का मधुर मिलन वहां पर हो रहा होता था, या देवता इसी प्रकार भोग विलास से अपना जीवन जीते थे। तो इन पंक्तियों में भी अगर देखें तो देवताओं के भोग विलास पूर्ण जीवन का चित्रण किया है। सौरभ से दिंगत पूरित था, अंतरिक्ष आलोक अधीर, सबके एक अचेतन गति थी जिसमें पिछड़ा रहे समीर। तो यहाँ पर सौरभ यानी सुगंधित थे, सौरभ से तात्पर्य क्या है, सुगंधित से दिगंत यानी चारों दिशाएं, पूरित था परिपूर्ण था यानी पूरा था, अंतरिक्ष आलोक अधीर, अंतरिक्ष आकाश में चारों ओर जो वातावरण था वो आलोकित था, सबके सब में एक अचेतन गति थी, सब में एक मदमस्त अचेतन यानी चेतना से रहित मस्ती की चाल थी जिससे पिछड़ा रहे समीर, समीर यानी वायु भी उससे पिछड़ रहा था। तो यहाँ पर देवताओं और देवांगनाओं के भोग विलास पूर्ण जीवन का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उनके अंगों और वस्त्रों से इतनी ज्यादा सुगंध आती थी कि सभी दिशाएं दिगंत यानी परिपूर्ण थे, सभी दिशाएं दिशाओं में सुगंध चारों ओर व्याप्त थी, फैली हुई थी। इसके साथ साथ उन्होंने जो वस्त्र धारण किए होते थे या आभूषण के प्रकाश से अंतरिक्ष भी आलोकित था, अंतरिक्ष में भी चारों ओर देखें तो प्रकाश इस प्रकार फैला होता था कि वो उस आलोक से अधीर हो उठता था, व्याकुल हो उठता था, सभी में एक मदमस्त गति थी और वो इतनी तीव्र गति से जीवन यापन कर रहे थे कि उस तीव्रता के सामने समीर यानी वायु भी अपने आप को पिछड़ा अनुभव कर रही थी। तो कवि के कहने का भाव क्या है कि देव जाति के जो किशोर और किशोरियां हैं वो विलासपूर्ण जीवन जी रहे थे और उनके जीवन की गति अत्यंत तीव्र थी, जिसमें वायु भी आगे बढ़ने से या वायु भी संकोच, वायु के मन में भी या वायु में भी संकोच उत्पन्न हो रहा था। तो यहाँ पर भी अगर देखें तो मानवीकरण अलंकार है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, इसके साथ साथ व्यतिरेक अलंकार का भी सुंदर प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि ये पंक्तियाँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।